एक्सेस में हम रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं और रिपोर्ट के अंदर हम सीरियल नंबर के कॉलम को ऐड, जैसे मेरे पास सेल्स का डेटा है। मुझे क्या होता है कि कई बार पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे डिजाइन क्वेरी पे गया, यहाँ से हमने एडिट टेबल, टेबल में सेल्स ले लिया। सेल्स से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मंथ, मुझे चाहिए एम्प्लॉय, कस्टमर नेम एंड हमें चाहिए क्वांटिटी। और मेरे यहाँ पे एक पर्टिकुलर मंथ का डेटा चाहिए, तो क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया एंटर मंथ नेम और स्क्वायर ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर दिया यस, और यहाँ मैंने मंथ डेटा करके हमने यहाँ पे डाल, देन मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद ये हमारा मंथ का डेटा आता है। जैसे रन करता हूँ मुझसे पूछता है मंथ नेम, तो मंथ नेम मैंने कर दिया जैन, ओके किया तो जैन भी होता है। अब इसके अंदर मुझे सीरियल नंबर चाहिए, इसके सीरियल नंबर चाहिए क्योंकि आईडी वाईडी अगर लेता हूं तो फिर वो मिक्सअप हो गया आएगा ना। तो इसके लिए हम सीरियल नंबर में रिपोर्ट में जाते हैं, ओके पहले हम रिपोर्ट बनाते हैं। मंथ डेटा को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया रिपोर्ट, रिपोर्ट में मंथ का नेम मैंने चेंज कर दिया जैन एंड ओके आ गया। और इसी को मैं डिजाइन व्यू में क्लिक किया, डिजाइन व्यू हमारे पास देख पा रहे। और मुझे यहाँ पे मंथ का नेम, मंथ का नेम बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा ओके और यहाँ पे हम यहाँ जाते हैं और रिपोर्ट में टेक्स्ट बॉक्स वहां से ऊपर से लेते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करते हैं और ये जो तो है इस पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को डन। अच्छा से इसको नीचे तक लाता हूँ, ले जा सकता हूँ ऊपर, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ हम लग देते हैं। ऊपर हेडिंग भी तो चाहिए होगा, तो लेबल दिख रहा है, लेबल डाल देते हैं ताकि ऊपर हेडिंग। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वल वन लिखना है, जस्ट इक्वल वन। कहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद डेटा में कंट्रोल सोर्स, मैं दोबारा बताता हूँ कैसे करें। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करते ही मुझे इसकी प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करनी होगी, प्रॉपर्टी शीट पे मुझे जाना होगा, यहाँ फॉर्मेट दिखेगा डेटा सोर्स और यहाँ पे इक्वल कर, इक्वल करने के बाद यहाँ पे दिखेगा रनिंग सम, रनिंग सम पे जाना है और यहाँ पे कर देना है ओवर ग्रुप, ओवर ग्रुप सिंपल सा, और फिर इसको कर देना है यहाँ से यस और यस। अब मैं यहाँ पे करता हूँ मंथ का नेम पूछा, मैंने यहाँ पे दे दिया फैब, जैसे ओके किया फैब की रिपोर्ट आ गई और देख सकते हैं फैब का सीरियल सीक्वेंस नंबर भी। अब तो इसे डिजाइन में दिक्कत हो गई तो आप हिसाब से इसको दर्शा सकते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एमएस एक्सेस सीखने के लिए कॉल कीजिए। थैंक यू।